हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आपने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। चले शुरू करते हैं आज हम अपने एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के दूसरे वीडियो का, जिसका नाम है दो दुर्विता का अंत। इसके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा, वो क्या कहता है, एक दुर्विता तथा दो दुर्विता का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले जानते हैं एक दुर्विता। देखिए, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, दुनिया आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से व सैन्य रूप से, दुनिया में केवल एकमात्र महाशक्ति रह गई थी, वो होती अमेरिका। उसी को एक द्रव्य विश्व कहा गया। दो द्रव्य विश्व का क्या अर्थ होता है, जब शीत युद्ध के दौरान दुनिया में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से दुनिया दो खेमों में बटी थी। एक का नेता था अमेरिका, दूसरे का नेता था सोवियत संघ। उसी को दो द्रव्य विश्व कहा गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। देखिए, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। यहां पे 1961 में एक 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की गई थी। ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। इस दीवार को 1989 में गिरा दिया गया। इस दीवार के गिराने के बाद जर्मनी का, पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1917 की समाजवादी क्रांति कहां हुई थी। 1917 की समाजवादी क्रांति दोस्तों रूस में हुई थी। कहां पे हुई थी, रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, समाजवादी सोवियत गणराज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य रूस 1917 में रूसी क्रांति या कहते हैं बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई। देखिए 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज के जागरूकता को प्रेरणा के लिए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सोवियत प्रणाली में किन बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। तो दोस्तों सोवियत प्रणाली में राज्य और पार्टी की संस्थाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी क्या थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, मतलब दूरी इर्द-गिर्द, किसके इर्द-गिर्द घूमती है सोवियत राजनीति। तो सोवियत राजनीति हमारी किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द-गिर्द घूमती थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, भूतपूर्व सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। भूतपूर्व सोवियत संघ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है सोवियत संघ में किस गणराज्य, कितने गणराज्य शामिल थे। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलकर के बना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। राज्य का मतलब होता है सरकार, सरकार के नियंत्रण में थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, दूसरी दुनिया के खेमे के देश का नेता कौन था। दूसरी दुनिया के खेमे, देखिए जब शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक पूर्वी दुनिया एक पश्चिमी दुनिया। पूर्वी दुनिया को कहते थे हम सोवियत संघ की दुनिया, पश्चिमी दुनिया मतलब अमेरिका की। अमेरिका जो था इसे पहली दुनिया कहा जाता था, सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो कह रहा दूसरी दुनिया के खेमे के देश का नेता कौन था, तो कौन था, सोवियत संघ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, दूसरी दुनिया के विघटन से क्या आश्चर्य है। सोवियत संघ के पतन के, देखिए दूसरी दुनिया हमने किसे कहा था, सोवियत संघ को। दूसरी दुनिया का विघटन का मतलब था सोवियत संघ का विघटन। ये कब 25 दिसंबर 1991 को। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, दूसरी दुनिया के पतन के क्या कारण, क्या परिणाम रहा। दूसरी दुनिया के पतन का क्या परिणाम रहा, तो देखिए दूसरी दुनिया का पतन जब हो गया तो उससे शीत युद्ध की क्या हो गई दोस्तों, समाप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, फिर कह रहा है सोवियत संघ के किन गणराज्यों ने सर्वप्रथम सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दिसंबर 1991 में, 1991 में येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन जो कि रूस के पहले राष्ट्रपति थे, ने सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सोवियत
संघ के विघटन के बाद किस गणराज्य को संघ का स्थान स्वीकार किया गया, मतलब उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया, तो रूस को, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस की स्थिति क्या थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस की वही स्थिति थी जो सोवियत संघ की स्थिति थी। देखिए रूस को वीटो प्राप्त, सोवियत संघ को वीटो प्राप्त, ऑफ सेम वीटो प्राप्त किसको हो गया, निषेधाधिकार कहते हैं जिसे, वो रूस को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, रूस सहित अन्य देशों, मतलब भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित के क्या कारण थे। देखिए वो जो थे पूरी तरीके से, रूस सहित अन्य जो अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सोवियत संघ की प्रति राष्ट्रवादी असंतोष सबसे अधिक नजर आई, तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्रों में रूस के प्रति क्या दिखा, बहुत ज्यादा असंतोष दिखा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, शॉक थेरेपी क्या दोस्तों, शॉक थेरेपी की परिभाषा दीजिए। देखिए आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ था हमारा, वो सोवियत संघ पहले समाजवादी व्यवस्था को मानता था, जब ये समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की नीतियों के अनुसार आगे बढ़ा और लोकतंत्र व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने आप को बदला। तो इस बदलाव के दौरान जो उसे संक्रमण, कष्टप्रद संक्रमण, बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, उसी को कहते हैं हम शॉक थेरेपी। ठीक है, अगला क्या है, शॉक थेरेपी के किन्हीं दो परिणामों को सूचीबद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन 2010 में सीबीएसई में आया हुआ है, शॉक थेरेपी के दो परिणाम। शॉक थेरेपी के कारण क्या हो गया, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पूरी तरीके से चरमरा गई। राज्य नियंत्रण उद्योग सस्ते में निजी हाथों में चले गए, मतलब जो सरकार जिन उद्योगों को चला रही थी वो बहुत ही सस्ते में निजी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चले गए। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। अच्छा, शॉक थेरेपी को हम नॉर्मली आघात पहुंचा के उपचार करना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अंतरतंत्र अर्थतंत्र में समाहित हो गया। अच्छा, शॉक थेरेपी को अपना करके पूरा का पूरा अर्थतंत्र पूंजीवादी व लोकतांत्रिक व्यवस्था में चला गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वी यूरोप के उस देश का नाम लिखिए जो शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। देखिये ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार पेपर में आया हुआ है, पूर्वी यूरोप के उस देश का नाम लिखिए जो शांतिपूर्वक बिल्कुल बिना किसी हिंसा के दो हिस्सों में, तो चेकोस्लाविया शांतिपूर्वक दो हिस्सों में बट गया था, चेको प्लस स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूस, भारत और रूस की मित्रता एक विशिष्ट विशेषता बताइए। तो देखिए भारत और रूस एक पुराना दोस्त रहा है, भारत को हमेशा इसने अस्त्र शस्त्र सैनिक रूप से मदद करी है, भारत और यूएसएसआर के बीच 20 साल की मित्रता संधि हुई है, भारत को नाभिक के मतलब परमाणु व अंतरिक्ष उद्योग में बहुत ज्यादा रूस ने हमारा को मदद किया है। आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध को लिखिए। तो हिंदी फिल्म जो है भारत के बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आपने एक गाना सुना होगा, मेरा टोपा है जापानी सर पे, सॉरी ये सॉन्ग मेरे को पूरा याद नहीं है, इसमें जो सर पे लाल टोपा रूसी, तो ये रूस को सम्मान कर देता है कि भाई हम लोग रूस को कितना अच्छा मानते हैं। भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। थैंक यू दोस्तों, आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें उनकी भी। देखिए इस वीडियो का मोटिव क्या है कि जिन छात्रों तक, जिन स्टूडेंट्स तक मैं पहुँच नहीं पाता ऑफलाइन में, तो उन तक मैं ऑनलाइन पहुँच सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन सभी जो चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दूं, फुल डिस्क्राइब करा के। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पूरे चैप्टर को अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।